7 जून 2022 दिन मंगलवार, वक्त सुबह के 9:30। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के पर्सनल नंबर पर एक व्हाट्सएप कॉल आती है। ये एक तरह की ग्रुप कॉल थी जो विदेशी नंबर से की गई थी। इस कॉल में रवनीत सिंह बिट्टू के अलावा हिंदू नेता संदीप गोरा थापर, मानसा से किसान नेता रुद्दू सिंह मानसा को भी शामिल किया गया था। ये फोन रवनीत सिंह बिट्टू के पीए ने उठाया। कॉल करने वाले शख्स ने उनके पीए से कहा कि वो बिट्टू से बात करवाएं। जब पीए ने उनसे कहा कि बिट्टू अभी बिजी हैं, तो उस शख्स ने आगे से धमकी दी कि बिट्टू को समझाओ कि भिंडरावाला के खिलाफ ज्यादा ना बोले, नहीं तो अगला नंबर उन्हीं का होगा। रवनीत सिंह बिट्टू फिलहाल भारत में नहीं है, वो एक विदेशी दौरे पर हैं। खैर, धमकी मिलने के बाद बिट्टू ने पंजाब के गृह विभाग को इसकी जानकारी दे दी है। यानी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पहले जहां पंजाबी सिंगर्स ही निशाने पर बताए जा रहे थे, वहीं अब नेताओं को भी धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि पंजाब के बड़े बड़े नेताओं को छोड़कर आखिर ये धमकी रवनीत सिंह बिट्टू को ही क्यों दी गई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 1990 के दशक में चलना होगा, जब पंजाब में मिलिटेंसी का दौर चल रहा था, और साथ ही जानना होगा रवनीत सिंह बिट्टू के परिवार का इतिहास। तो चलिए बताते हैं आपको पिछले 3 दशक पहले की वो कहानी जिसके तार इस धमकी से जुड़े हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब में अलगाववाद का एक अलग दौर शुरू हो जाता है, जिसके चलते पंजाब में स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगती है, जिसे संभालने के लिए केंद्र में बैठी राजीव गांधी सरकार और अकाली लीडर हरचंद लोंगोवाल के बीच 25 जुलाई 1985 को एक समझौता होता है, जिसे राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड कहा जाता है। इस समझौते के बाद 20 अगस्त 1985 को हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पंजाब में माहौल और भी खराब हो जाता है। जिस वक्त पंजाब में ये घटनाएं हो रही थी, तब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल लोंगोवाल की सरकार थी, जिसके नेता सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब के मुख्यमंत्री थे। दूसरी तरफ कांग्रेस पंजाब में सत्ता से बाहर चल रही थी। साल 1986 में हालात और खराब होने लगे, तो हरमंदिर साहिब में बैठे सिख एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकालने के लिए पहले ऑपरेशन ब्लैक थंडर का आगाज हुआ, जिसके बाद पंजाब की स्थिति और खराब होती चली गई। और आखिरकार साल 1987 में सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार को बर्खास्त कर पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, जो साल 1992 के विधानसभा चुनावों तक चला। हालांकि जून 1991 में केंद्र सरकार द्वारा पंजाब में चुनाव करवाने की कोशिश की गई, लेकिन उस दौरान पंजाब में उग्रवाद इतना बढ़ गया कि 20 से ज्यादा ऐसे लोगों की हत्या कर दी गई जिन्होंने चुनाव में अपना नामांकन भरा था। आम लोगों की हत्याओं का दौर भी शुरू हो गया, जिसके चलते साल 1991 में सरकार ने माहौल खराब देख आम चुनावों को रद्द कर दिया। चुनावों को रद्द करने के साथ ही केपीएस गिल को दोबारा पंजाब का डीजीपी अपॉइंट किया गया, जिसका विरोध पंजाब में सभी लोकल राजनीतिक दलों ने किया सिवाय कांग्रेस के। और यही वो घटनाएं थी जिसके चलते साल 1992 के इलेक्शन का पंजाब के राजनीतिक दलों द्वारा बायकॉट किया गया, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार द्वारा चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी, सीपीआई और सीपीएम जैसी पार्टियां मैदान में थी, लेकिन पंजाब का कोई बड़ा दल नहीं था। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने 117 में से 87 सीटें जीत अपनी सरकार बनाई, जिसके मुख्यमंत्री बने बेअंत सिंह, जो साल 1986 से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। खैर, सरकार बनने के बाद केपीएस गिल और पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह ने उग्रवादियों का सफाया करने के लिए एक मुहिम छेड़ दी, जो काफी हद तक सफल भी रही, लेकिन इस दौरान पंजाब पुलिस द्वारा आपसी रंजिश में निर्दोष लोगों को भी निशाना बनाया जाता रहा, जिससे जुड़े कई केसेस भी बाद में देखने को मिले। लेकिन इस दौरान पंजाब पुलिस को मुख्यमंत्री बेअंत सिंह द्वारा खुली पावर्स दी गई थी कि वो किसी भी कीमत पर
पंजाब में अलगाववाद को खत्म करे। बेअंत सिंह की इस कार्रवाई के चलते वो अलगाववादियों के निशाने पर थे, जिसका खामियाजा उन्हें 31 अगस्त 1995 को भुगतना पड़ा, जब बेअंत सिंह की पंजाब हरियाणा सचिवालय के बाहर आत्मघाती हमलावर द्वारा बम धमाके में हत्या कर दी गई, जिसमें 17 लोगों की जान गई। ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के उन्हीं पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। बेअंत सिंह के परिवार की बात करें तो उनके 5 बच्चे थे, जिनमें से बड़े बेटे तेज प्रकाश पंजाब में मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका आगे एक बेटा है जिसका नाम है गुरकीरत कोटली, जो पंजाब के खन्ना से विधायक रह चुके हैं और पंजाब सरकार में मंत्री भी, लेकिन 2022 में वो चुनाव हार गए। उनकी एक बेटी है गुरकमल कौर, जो पंजाब कांग्रेस में काफी सक्रिय रही और एक्स एमएलए भी रह चुकी हैं। बेअंत सिंह का एक बेटा था स्वरणजीत सिंह, जिनकी मौत एक कार एक्सीडेंट में साल 1985 में ही हो गई थी। रवनीत सिंह बिट्टू उन्हीं के ही बेटे हैं और फिलहाल राजनीति में सक्रिय है। यानी कुल मिलाकर बेअंत सिंह के परिवार से उनके 2 पोते हैं, गुरकीरत कोटली और रवनीत सिंह बिट्टू, जो इस वक्त राजनीति में सक्रिय है। यही कारण है कि रवनीत सिंह बिट्टू और उनके परिवार को आज भी कनाडा यूके में बैठे अलगाववादियों से धमकियां मिलती रहती हैं। इन धमकियों के पीछे एक वजह उनके दादा बेअंत सिंह की हत्या का केस भी है, जो 1995 से ही चलता आ रहा है। इस केस की कहानी भी काफी दिलचस्प है, जिस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। खैर, वापस आते हैं रवनीत सिंह बिट्टू पर। ये पहली बार नहीं है जब रवनीत सिंह बिट्टू को धमकी मिली है। इससे पहले भी उन पर कई बार हमला हो चुका है और उनको धमकियां भी मिलती रही हैं। साल 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह और रवनीत सिंह बिट्टू को एक वीडियो के जरिए धमकी दी गई थी, जिसमें जरनैल सिंह भिंडरावाला का पोस्टर दिख रहा था। जनवरी 2021 में सिंघू बॉर्डर के पास गुरु तेग बहादुर मेमोरियल के पास भी उन पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें उनकी पगड़ी तक खुल गई थी। यही कारण था कि अगस्त 2021 में बिट्टू की सुरक्षा को Z से बदलकर Z+ कर दिया गया था। हालांकि इन धमकियों को लेकर रवनीत बिट्टू और गुरकीरत कोटली हमेशा अपनी राय रखते रहते हैं। 2017 में भी धमकी मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि वो इन धमकियों से नहीं डरने वाले, लेकिन फिलहाल हालात अलग हैं, क्योंकि पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब सरकार पहले ही विरोध झेल रही है। ऐसे में बिट्टू को मिलने वाली ऐसी धमकियों को सीरियसली लेने की जरूरत है। तो ये है रवनीत सिंह बिट्टू को मिलने वाली धमकी का 3 दशक पुराना इतिहास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।